नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस कैमरे से इस फोन का टेम्परेचर रिव्यू किया था कि गेमिंग के दौरान ये कितना गर्म हो जाता है। तो फिलहाल अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक यहाँ फ्लैश करोगा, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हो। तो फिलहाल ये अभी कैमरा ठंडा नहीं हुआ है, हालांकि 20 मिनट की वो रिकॉर्डिंग थी, मैं कट करा के आपको 10-15 मिनट में उसको दिखा दूंगा। फिलहाल देख सकते हो कि कैमरा काफ़ी गर्म हो गया, हालांकि ये थर्मल शटडाउन नहीं हुआ। तो फिलहाल मैं इसका भी एक बार हीटिंग इशू दिखा देता हूँ। तो दोस्तों करीबन 4K पर मैंने इस पर वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो आप देख सकते हो कि ये फ़ोन तो गर्म है ही है, और इसके सिवाय ये जो कैमरा है ये भी काफ़ी गर्म हो चुका है। करीबन 45 से 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिखा रहा है। फिलहाल आप देख सकते हो कि स्पॉट्स हैं काफ़ी, जो काफ़ी गर्म हुए हैं। हालांकि ये जो व्यू फाइंडर है ये ठंडा है, और कह सकते हैं कि यहाँ पर एक कनेक्टर लगा हुआ था, यहाँ पर काफ़ी गर्म है। और यहाँ पर अगर टेम्परेचर देखा जाए, क्योंकि ये मेटल पोर्शन है, तो यहाँ पर 47-48 डिग्री सेल्सियस तक के करीबन टेम्परेचर मुझे देखने को मिल जा रहा है। तो ये पोर्शन जहाँ पर HDMI केबल मैंने लगा रखी थी, तो वो काफ़ी गर्म हो चुका है। और अगर मैं LCD पैनल को थोड़ा सा पीछे सटका देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि तो इसके पीछे भी काफ़ी हीट जनरेटेड हुई है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको कि जो LCD पैनल को मैंने थोड़ा सा पीछे को सटका दिया, और इसके पीछे का टेम्परेचर देखिए दोस्तों, ज़बरदस्त 44, इतने में इसकी हालत बाजा बज चुका है। ये तो अभी बॉडी का टेम्परेचर दिखा रहा है, इनसाइड टेम्परेचर इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो आगे का एक लेंस की साइड का भी पोर्शन देख लेते हैं कि वहाँ की क्या हाल है। तो लेंस साइड का अगर पोर्शन देखा जाए तो लेंस तो ठंडा है दोस्तों, 38 के करीबन है, पर लेंस के पीछे इस डायरेक्शन में आप देख सकते हो कि यहाँ पर 45। दोस्तों क्या बात है। तो दोस्तों कह सकते हैं कि जो सोनी का ये जो कैमरा है ये काफ़ी गर्म हो जाता है। अभी तो सर 20 मिनट की 4K रिकॉर्डिंग की है मैंने इसमें, मान लीजिए अगर मैंने कोशिश करके इसको किसी तरह से भी जोर जबरदस्ती करके कहीं 30 मिनट तक वीडियो को खींच लेता तो इसकी क्या हालत होती। तो मुझे तो लगता है ये 50-55 के करीबन पहुंच जाता। यहाँ का टेम्परेचर देख सकते हो कि इसके जो हॉटस्पॉट मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, एक तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग में 4K रिकॉर्डिंग में यहाँ से गर्म हो जाता है, यहाँ पर काफ़ी हीट है, और एक आ रही है हीट यहाँ पर इस ये जो HDMI पोर्ट है यहाँ से रेडिएट कर रहा है, और एक रेडिएट कर रहा है यहाँ से। तो दोस्तों देख सकते हैं ये तीन इसके काफ़ी बड़े हॉटस्पॉट है जहाँ से ये रेडिएट करता है जब आप 4K में इससे वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। लेंस पोर्शन ठंडा है, उतना गर्म नहीं है, और बाकी बॉडी भी काफ़ी बढ़िया है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने इस FLIR 1 फॉर एंड्रॉयड से इस सोनी कैमरा जो कि α6300 है उसके कुछ हॉटस्पॉट दिखाए 4K रिकॉर्डिंग में, ये कितना गर्म हो जाता है ये भी आपको दिखाया। फिलहाल अभी भी ये काफ़ी गर्म है। तो दोस्तों कह सकते हो करके कि FLIR 1 यहाँ पर भी बाजी मारता हुआ दिख रहा है। तो काफ़ी अच्छा रिव्यू है इस वीडियो में भी इस FLIR 1 का। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अब इस सोनी α6300 की हीटिंग इशू वाली इस वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ। अगर आपको ये पसंद आए तो थम्स अप दे दीजिए, शेयर कीजिए अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सब्सक्रिप्शन लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और मेरी आगे आने वाली अन्य तकनीकी वीडियोज़, गैजेट्स रिव्यूज़ और मोबाइल फ़ोन रिव्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।